नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले से शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बार अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनकी कोशिश बीजेपी के किलेबंदी को भेदने की होगी। हालांकि इसके लिए दोनों नेताओं को बड़े स्तर पर प्रयास करना होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में 40 सीटें ऐसी रही हैं जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया को करारी हार झेलनी पड़ी थी। बीजेपी के किले के रूप में इन सीटों को देखा जाता है। यहां पर चुनावी जीत हासिल करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने यूपी की 40 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। इन सीटों पर बीजेपी के वोट बैंक को काटने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को ज्यादा जोर लगाना होगा। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, वहीं कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी को कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ा, वहीं ज्यादातर सीटों पर आमने सामने की टक्कर थी। आमने सामने की टक्कर में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल कर विपक्षी महागठबंधन को बड़ा झटका दिया था। इन सीटों में फतेहपुर सीकरी, वाराणसी, गाजियाबाद, मथुरा, गोरखपुर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, पीलीभीत, फरुखाबाद, फूलपुर, कानपुर जैसी सीटें शामिल हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। अब इन दोनों दलों का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होना तय है। ऐसे में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। विपक्ष का वोट सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा के बीच बंटना तय है। बीजेपी को अपने हिस्से का मजबूत वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस स्थिति में 40 सीटों पर विपक्ष को जीत दर्ज करने के लिए बड़ी रणनीति बनानी होगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इसके लिए अभी से जमीन स्तर पर प्रयास करना होगा। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में अखिलेश यादव ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का संदेश दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में वो विपक्ष के सभी दलों को एक साथ जोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी चुनाव से ठीक पहले अलग हो चुके हैं। वहीं सुहेलदेव समाज पार्टी से लेकर महानदल तक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के वोटों को यूपी में एकजुट करना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला हो सकता है। दरअसल सपा की मुश्किल वोट ट्रांसफर कराने में दिखी है। गठबंधन में सपा के पक्ष में वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में भी ये स्थिति देखने को मिली थी। सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत कई सीटों पर कांग्रेस को भी जूझना होगा। दरअसल गठबंधन के तहत कांग्रेस के जिम्मे में बुलंदशहर, झांसी, फतेहपुर सीकरी, बासगांव, इलाहाबाद, वाराणसी और गाजियाबाद सीटें आई हैं। इन सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर कितना वोट शेयर कांग्रेस को शिफ्ट करा पाती है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।